हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था कि आपकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है दोस्तों, ए मेरे पास मैंने एक रिसेंटली रोड का माइक है जो परचेज वगैरह किया है, जिसके लिए ऑडियो क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने में काफ़ी हेल्प वगैरह किया है। लेकिन दोस्तों इसके कारण एक इम्प्रूव नहीं हुआ, इसके साथ मैंने और भी कुछ चीज़ें परचेज वगैरह की है। तो दोस्तों एपिसोड वार वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि पूरा सेटअप जो स्टूडियो का मेरा क्या क्या मैं करता हूँ, जिसके कारण वीडियो अच्छी हो पाती है। तो आज जो दोनों दोस्तों एपिसोड होने वाला फुल्ली माइक पे होने वाला, आज माइक पे आएगा, इसके बाद जो आएगा स्मार्टफोन पे आएगा, इसके बाद लाइटिंग पे आएगा, तो बहुत सारी चीज़ होने वाले। तो प्लीज़ चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले फटाफट आपने लाइक वगैरह नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन हो उसे अवेलेबल कर दीजिए, ऐसी डिटेल्स आने वाले हैं। उसके लिए लाइट वगैरह परचेज करने वाला, बहुत चीज़ें ट्राईपॉड्स वगैरह भी आने वाले, तो उन सब के डिटेल्स वगैरह जानने के लिए, वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके बन रही है। ए दोस्तों हमारा रोड वीडियो माइक के बॉक्स पे, जिसमें सबसे पहले आपको रोड वीडियो माइक गो टू की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे आपको माइक का इमेजेस वगैरह दिख रहा होगा, विथ स्टैंड के साथ आता है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन वगैरह किया होगा दिख रहा होगा। जिसमें बॉक्स पैकिंग बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही है, रोड की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे आपको चार चीज़ें देखने के लिए मिल जाता है, तो इसके बारे में बताया गया। इधर आपको दोस्तों मेंशन किया, अगर 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है, हाई रेट डायरेक्शनल माइक है, 5 mm TRS आउटपुट वगैरह मिल जाएगा, इसके साथ केबल मिलता है, डिजिटल USB आउटपुट वगैरह मिल जाएगा। इसमें आपको दोस्तों एंड्रॉइड एप्पल दोनों के साथ कंफर्टेबल है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चीज़ सही मिल जाएगी। चलिए फिर दोस्तों फटाफट इसको दोस्तों ओपन वगैरह करते बॉक्स पैकिंग को, फिर बात करेंगे क्या क्या चीज़ें मिलती है और कैसे कैसे कौन सी चीज़ें वर्क वगैरह करता है। तो सारी इसको ओपन वगैरह कर चुका हूँ। इसमें सबसे पहले हमारा रखा मिल जाता है बेसिकली रोड का माइक है दोस्तों, इसको साइड में रखते हैं। एक TRS 3.5 mm केबल है, यहाँ पे आपको जेल ही है जिसको खा वगैरह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ गारंटी नहीं है खाने के बाद जिंदा बचेंगे कि नहीं की, तो ये चीज़ काफ़ी सही है, इसी इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये भी इसका दोस्तों इसका स्टैंड वगैरह जिसको आप इसके लिए एडजस्टेबल वगैरह कर सकते हैं, जिधर भी चाहें ये चीज़ काफ़ी मूव वगैरह कर सकते हैं, यूजर मेन वगैरह वगैरह मिल जाएगा। तो इन सब साइड वगैरह में रखते हैं। फटाफट हम अपना माइक को सेटअप वगैरह करते हैं, जिसमें माइक की सबसे पहले कलर एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो देख पा लेंगे, पूरा आपको एल्युमिनियम और मेटल का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको फिनिशिंग रोड की ब्रांडिंग के साथ आता है, तो ऑसम लेवल की मिलेगी। जहाँ पे आपको रोड का ब्रांड नहीं किया गया, तो यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑक्सीवल का ऑप्शन मिल जाएगा, और इधर आपको टाइप सी केबल का ऑप्शन मिल जाएगा, जो एप्पल्स में कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं, मोबाइल में कनेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं, उसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। वीडियो गो टू माइक की ब्रांडिंग की गई, मेड इन बेसिकली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, तो इसकी ब्रांडिंग की गई है। हाईलाइट डायरेक्शनल माइक क्या होता है बेसिकली, इसके बैकग्राउंड में बोलेंगे ना तो वो चीज़ें काफ़ी नोटिस कम करेगा, सामने चीज़ें बोलेंगे इसमें माइक में तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से नोटिस वगैरह करेगा, तो इसका ये दोस्तों बेनिफिट होता है हाईलाइट डायरेक्शनल माइक में, तो ये चीज़ें काफ़ी सही होती है। तो फटाफट इसको हम सेटअप वगैरह करते हैं, जिसके लिए दोस्तों मेरे पास एक ट्राइपॉड भी है, जिसके साथ में इसको यूज करता हूँ, तो इसको यहाँ पे लगाते नहीं है, साइड वगैरह में रखते हैं, ऐसी बात वगैरह करेंगे इसके बारे में। तो इसका दोस्तों इसके लिए प्राइजिंग की बात करूँ तो 10,000 रुपये का प्राइजिंग है, काफ़ी टाइम से यूज वगैरह कर रहा हूँ। तो क्वालिटी वगैरह बात करूँ दोस्तों तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं, इसके लिए यूज वगैरह कर रहा हूँ काफ़ी, तो मुझे तो काफ़ी चीज़ें सही लगे और हम लोग बिल्ड क्वालिटी तो है ही, लेकिन जैसे बताऊँ टाइप सी केबल का ऑप्शन है। एक रोड का ऐप आता है, ऐप का नाम है दोस्तों रोड सेंट्रल, इसके लिए PC के लिए आता था पहले, अब आपको मोबाइल में अवेलेबल है, तो इसको ओपन वगैरह करूँगा। तो इसको क्या करना होगा, इसके लिए टाइप सी केबल रोड का भी आता है, उसको परचेज कर सकते हैं अलग से, लेकिन बहुत महंगा दोस्तों 1200-1300 रुपये का प्राइजिंग है। लेकिन मेरे पास एक पेट्रोनिक्स का जो भी ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो इसमें बेसिकली मैं कनेक्ट वगैरह करता हूँ, कनेक्ट करने के बाद बेसिकली अपने आप डिटेक्ट वगैरह कर लेगा, अगर जैसे मैं ऐप को हटा देता हूँ फिर भी कनेक्ट करूँगा तो यहाँ डिटेक्ट वगैरह अपने आप कर लेने वाला, तो देख पाएंगे डिटेक्ट कर लिया, जैसे होकर करूँगा बेसिकली ऐप पर ले जाएगा और वहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए मिल जाएगा। इसका मैं आवाज़ रिकॉर्डिंग का ज़्यादा करना चाहता तो वो भी कर सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी जो इसके लिए होता है दोस्तों फिल्टर करने का, अगर कितना करना चाहता हूँ, ऑफ करना तो ऑफ कर सकता हूँ, कम 57 GHz का करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, 150 करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। पैड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, हाई बूस्ट HF बूस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसे ऑन ऑफ कर पाएंगे। और इसको दोस्तों इसमें लगाने के बाद इधर आप अगर इसको सुनना भी चाहते हैं अपने फ़ोन में, तो हेडफोन का जैसे 3.5 aux केबल का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें हेडफोन लगा के यहाँ से आपको इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुन सकते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी सही, इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ सुन सकते हैं, तो सारी चीज़ इसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। माइक तो काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन इस ऐप को यूज़ करने के बाद बेसिकली काफ़ी और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही होती है, आपको बेसिकली बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत नहीं, बेसिकली बैकग्राउंड रिमूवर होता ना ऐप में, वो करने की आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी से काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड का नॉइस वगैरह ख़त्म कर देता है,
तो एक काफी इसके आपको बेनिफिट वगैरह काफी ज्यादा सही है। यूज बना दोस्तों से बताता हूँ, काफी टाइम से मैं कर रहा हूँ, मुझे इसकी क्वालिटी वगैरह काफी ज्यादा सही लगे। इसकी क्वालिटी मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा आपको इसके लिए, जैसे इसको कनेक्ट वगैरह कर लेता हूँ, इसको क्वालिटी वगैरह सुनाता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो काफी टाइम से देख रहे तो आप लास्ट वीडियो वगैरह देखा होगा, वो सब इसी से रिकॉर्ड हो रहा है। अगला वीडियो जो आएगा ना उसके लिए ये ऐप वगैरह यूज करके मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ, ये हाईली डायरेक्शनल इसके लिए रोड का जो होता है सेंट्रल, इसको यूज करके करूंगा तो उसमें क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी निकल के आएगी, तो वो चीजें देख पाएंगे, तो वहां से आपको काफी ज्यादा अंदाजा वगैरह हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ, फिर आपको बेसिकली इसको आप यूज देख पाएंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कैसी है। तो जो रिकॉर्डिंग सुन रहे दोस्तों इस माइक से यार आपको वॉइस वगैरह मिल रहा होगा, देख पा रहे हैं वॉइस कितना क्लियर और कितना आपको बेसिकली डिटेल्स वगैरह मिलेगा, बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह बिल्कुल नहीं है। इस ऐप की यूज करने के बाद काफी ज्यादा सही होती है, अपने आप भी जज वगैरह कर पा रहे हो। पहले जो रिकॉर्डिंग सुन रहे थे बिजली काफी ज्यादा बिजली बोया का माइक से रिकॉर्डिंग हो रहा था जो 2-2.5 हज़ार रुपये में आता है, ये रोड का माइक से आपको साउंड क्वालिटी दिख रहा होगा, तो आप ये बिजली पर्सनली फील वगैरह कर पाएंगे। मुझे तो काफी ज्यादा चीजें सही लगी, काफी पर्सनल क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी लगी, तो ये चीजें आप अपने आप डिसाइड वगैरह कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए इसको निकाल कर यूज करेंगे तो भी काफी ज्यादा क्वालिटी वगैरह अच्छा मिलेगा, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप घर से घर में रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसको निकाल कर कीजिए ताकि आपको वॉइस की क्वालिटी और अच्छी हो जाए। अगर आप घर से बाहर रह के यूज वगैरह कर रहे हैं तो इसको इसके लिए लगा कर यूज किए तब जाकर थोड़ी क्वालिटी वगैरह मिलेगा, तो उसको आप यूज वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों साउंड की क्वालिटी वगैरह आपको मैंने सुना दिया। अब मैं दोस्तों अगर आपसे कहूँ जो आपने साउंड की क्वालिटी सुना है वो दोस्तों 25% इम्प्रूव वगैरह हुआ है माइक चेंज करने से, जो ज़्यादा जो साउंड क्वालिटी चेंज वगैरह होता है इम्प्रूव वगैरह होता है उसके लिए दोस्तों आपको एक बढ़िया कंपनी की पावरफुल स्मार्टफोन परचेज वगैरह करना होता है, जो काफ़ी अच्छा पावरफुल हो और काफ़ी नेक्स्ट लेवल फीचर हो, परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा, प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा सही हो, मल्टी फंक्शनल हो, तभी आपका चीज़ें इम्प्रूव वगैरह होगा। उसके लिए दोस्तों मैंने रिसेंटली कुछ 10-15 दिन पहले के स्मार्टफोन परचेज वगैरह किया है, उसके बारे में जानना चाहते हैं कौन सा स्मार्टफोन परचेज वगैरह किया है तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। अभी तो इसके लिए माइक का डिटेल्स वगैरह मैंने बताया है, काफ़ी अच्छा माइक है, अगर आपका बजट है तो इसके लिए जा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सही है, लेकिन आपका बजट नहीं है तो अदर माइक भी परचेज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन माइक अच्छा हो या ना हो आपका स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ये मुझे दोस्तों पता चला अभी कुछ हफ्ते पहले, क्योंकि यूट्यूब पे मैं सर्च करके थक चुका हूँ, किसी ने ये चीज़ नहीं बताई है जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत ये चीज़ बताना चाहिए था, या किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, ये मैंने नोटिस किया है तो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर पूरी सीरीज आने वाली है, अगर आप वीडियो क्रिएटर है तो आपको क्या क्या चेंज वगैरह करना चाहिए ताकि आपकी क्वालिटी वगैरह अच्छी हो पाए, क्या आज ऐसा करेंगे तब होगा। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना था, माइक तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही है, माइक परचेज वगैरह कर सकते हैं। वो फ़ोन के लिए जानना चाहते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, एक आध हफ्ते, अगले हफ्ते शायद इसका फ़ोन के ऊपर एक वीडियो आ जाए जिसके बारे में बताऊंगा मैंने कौन सा फ़ोन परचेज किया है, या तो आप कोई प्रीमियम सेगमेंट का फ़ोन परचेज कर सकते हैं जिससे आपकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही होगी। तो चलो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो वगैरह सारी डिटेल्स वगैरह समझा पाऊँ, इस माइक रिलेटिव जो भी डिटेल्स वगैरह बता पाऊँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लेना, उसके बगल में बेल आइकन को उसे अवेलेबल कर देना ताकि ऐसे यूजफुल डिटेल वीडियो आती रहे, जो आपको अगर वीडियो भी बनाते हैं क्रिएटर भी हो तो आपको हेल्प वगैरह करता है चीज़ें जानने में। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना था, थैंक यू, धन्यवाद।